और ये मंदिर सारे मंदिरों से डिफरेंट इसलिए है कि डिज़ाइन था, बट अंदर जो भी है वो स्टेचूज है बहुत सारा लिविंग बींग्स का, लाइक हाथी हो गया, लायन, अप्सरा का था, फिर गोडेस। हे फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं मेरे कुछ व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, जो भी लेखावाली जाना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हाउ टू रीच लेखावाली। सो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी से ये पड़ेगा 10 घंटे का रास्ता, और अगर ईटानगर से आप आती हो तो आपको पड़ेगा 4 घंटे का रास्ता। ये मैं रोडवे की बात कर रही हूँ। और फिर अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट 2 एयरपोर्ट है। पहला आता है लीलाबाड़ी एयरपोर्ट जो कि है लखीमपुर में, और दूसरा एयरपोर्ट है मोहनबाड़ी एयरपोर्ट जो कि है डिब्रूगढ़ में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम करते हैं वीडियो का स्टार्ट। हे गाइस, आई एम निपाता दुगे एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ वेरी रिलीजियस आर्कियोलॉजिकल साइट विच इज सिचुएटेड इन लेखावाली अरुणाचल प्रदेश एंड विच बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा एंड हिज वाइफ रुक्मणी। सो द नेम ऑफ द प्लेस इज मालिनी थान। So let's go guys, let's explore. So guys, the first thing you have to do before entering the temple is to take the tickets. Per person 10 rupees, okay? और अंदर बस हम घूमने जा रहे हैं, पर हम जलाएंगे अगरबत्ती भी जो कि हमने लिया है अभी अभी। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब हम जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ के, बहुत ही ऊंचा सीढ़ी, हम नीचे से आए हैं और जाएंगे बहुत ही ऊपर, वहाँ पे है मंदिर। तो धीरे धीरे करके जाएंगे हम। ये रास्ता एक्चुअली ऐसा है, सीढ़ी भी नहीं है, एक्चुअली सीढ़ी है उस तरफ पुराना सीढ़ी, तो वो मैं जाते वक्त आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे है पुराना सीढ़ी जो कि पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे व्हीलचेयर का भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब लॉर्ड कृष्ण उनके वाइफ रुक्मणी के साथ बिस्मत नगर से द्वारका की ओर जा रहे थे, तब उन लोगों ने यहीं पे स्टे किया था। जब वो लोग यहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि एक मालिनी उनका फूलों से यहाँ पे स्वागत कर रही है, और वो बाद में जाके पता चला कि वो कोई मालिनी नहीं थी बल्कि वो पार्वती देवी थी, लॉर्ड शिवा की वाइफ। और उस वक्त लॉर्ड कृष्ण ने पार्वती देवी को मालिनी करके पुकारा, जिसके बाद से इस जगह का नाम पड़ा मालिनी थान, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ द गार्डन गर्ल। अब हमने कर लिया है प्रे, और पुजारी जी ने मेरे माथे पे ये टीका लगाया है। पुजारी जी ने कहा कि मंदिर का 3 बार चक्कर लगाना है, तो हम लगा रहे हैं अभी मंदिर का 3 बार चक्कर। ये मेरा थर्ड चक्कर है, ये चक्कर कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे वहाँ पे। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हो आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ा सा नंदीबुल का स्टेज, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा एक शिवलिंग, और उसके साइड में है एक पत्थर पे कुछ बना हुआ, मुझे लग रहा है कि ये गणेशा है। और चलिए अब हम चलेंगे मालिनी थान आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स की ओर, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे डिफरेंट ग्रेनाइट स्टोन से बने हुए मंदिर के टुकड़े, जो कि 1968 टू 1972 के द्वारा जब यहाँ पे खुदाई हुआ था उस वक्त पाया गया था। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे स्टोन्स जो कि ग्रेनाइट से बने हुए हैं, और ये मंदिर सारे मंदिरों से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सारे जितने भी हिंदू टेंपल्स होते हैं सारे बनते हैं ईंटों से, बट ये मंदिर फुल्ली बना हुआ था ग्रेनाइट स्टोन से। और अकॉर्डिंग टू गूगल आर्कियोलॉजिकल स्टडी के द्वारा पता चला कि यहाँ पे जो टेंपल था वो 14 टू 15 सेंचुरी में बनाया गया था बाय सुटिया किंग्स। और यहाँ पे है उस मंदिर के कुछ टुकड़े जो कि आप देख सकते हो। और आपको अपनी एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाने जा रही हूँ कि कैसे पत्थर पे लोटस बनाया गया है। ये देखिए, ये जनरली पाया जाता है सीलिंग में, जो भी हमारा घर रहता है उस पे सीलिंग में जो डिज़ाइन किया जाता है उसकी तरह है, और इसका नाम है विश्वा पदवा। यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हो। एंड गाइस, अब हम चलेंगे वाटर रिजर्वर के तरफ।
जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि उसमें अगर आपने कॉइन्स डाला और आपने कुछ विश मांगा तो आपका विश ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए हम भी आजमा के देखते हैं, पर मैं अपना विश आपसे शेयर नहीं करूँगी अभी। दोस्तों आपको पता है यहाँ के लोग क्या बिलीव करते हैं? वो लोग बिलीव करते हैं कि इस पानी में पहले भगवान नहाते थे, ऐसा यहाँ के लोग बिलीव करते थे। मुझे भी यहाँ पे आने के बाद पता चला। पे कुछ लिखा हुआ है दस एंड डजन, आप लोग पढ़ लीजिए। बिल्कुल भी वो चीज़ मत कीजिए जिसके लिए ये मना है। तो यहाँ पे होता है हमारा मालिनी मंदिर घूमना ख़त्म और हम अब आगे जाएंगे रुक्मणी मंदिर की ओर। ये देखिए यहाँ पे कितना सारा कबूतर है, अभी मैं इस कबूतर को उड़ाऊंगी। तो यही से हम चढ़ के जाएंगे मंदिर की ओर और आप यहाँ पे देख लीजिए मंदिर का व्यू। ये देखिए ये मंदिर का व्यू है और हम मेरी फ्रेंड वहाँ से जा रही है, किधर गया, वहाँ से जा रही है, पर मैं उसे चकमा दे दूँगी और मैं जाऊँगी ये शॉर्टकट से, मैं उससे पहले पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। तो लेट्स गो फास्ट। हाँ रास्ता थोड़ा खराब है, नाले में भी घुसना पड़ जाएगा अभी। और मैंने अब स्टार्ट कर दिया है सीढ़ी पे चढ़ना, सीढ़ी बहुत ही ऊंचा है और मंदिर नीचे है सौम्या। देखते हैं कौन पहले थकता है। हम तो नहीं थका है, बस मेरा सांस फूल गया, तो वही है। चलो और अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर, मंदिर तक नहीं बट ये रास्ता तक पहुंच चुका है। और अगर आपको सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पानी प्यास लगे तो आप वहाँ पे दुकान है कुछ, वहाँ से पानी पी सकते हो। और ये बैक साइड में है मैप, यहाँ अंदर है म्यूज़ियम। सो यू हैव टू रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग द म्यूज़ियम। यहाँ पे पता चला है कि अंदर वीडियोग्राफी मना है, तो हम वीडियो नहीं करेंगे अंदर, पर मैं बाहर निकाल के आपको निकलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अंदर मैंने क्या क्या देखा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं जब म्यूजियम से बाहर निकल जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि अंदर मैंने क्या क्या देखा है। आपको अंदर घुसने से पहले टिकट लेना पड़ेगा जो कि है 10 रुपीस पर पर्सन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अभी कि मैंने अंदर क्या क्या देखा है। वहाँ पे म्यूजियम में कुछ चीज़ें 500 साल पुराना है, कुछ 1 ईयर अगो भी मिला है। और बाहर हमने जो भी स्टोन्स देखा वो सारा बस एक स्टोन और उसमें डिज़ाइन था, बट अंदर जो भी है वो स्टेचूज है बहुत सारा लिविंग बींग्स का, लाइक हाथी हो गया, लायन, फिर ह्यूमन बींग्स, अप्सरा का था, फिर गोडेस कामाख्या, लक्ष्मी एंड मैनी मोर गोल्डन गोडेस का स्टेचू था। आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ पे बोलने को तो बहुत कुछ है पर मैं स्टेडियो में पूरा नहीं बोल पाऊँगी। तो आप लोग ओनली 10 रुपीज का बात है, आप लोग खुद जाके वहाँ पे विजिट कीजिए, अच्छा लगेगा। तो इसके बाद अब हम चलेंगे रुक्मणी मंदिर की ओर। बहुत लंबी चढ़ाई करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं रुक्मणी माँ का मंदिर। यहाँ पे है कुछ दिखाने जाऊंगी अभी। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चुन्नी है, जो भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग जो आते हैं मालिनी थान में दर्शन करने, तो वो लोग रुक्मणी देवी के लिए ये चुन्नी लाते हैं और यहाँ पे चढ़ा के चले जाते हैं और विश मांगते हैं और उनका विश पूरा हो जाता है। सो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दी मालिनी थान। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू सपोर्ट। और देखिए हम अभी उतर के जा रहे हैं ये पत्थर वाले सीरीज से, मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो आप कितना सुंदर है। ओके बाय बाय, टेक केयर।